I, Omar Abdullah, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Ask me, can we sign the chair? I am on the figure of having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do swear in the name of God. Solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Having been nominated, as a candidate, to fill a seat, in the House of the People, do swear, in the name of God, solemnly affirm, that I will bear, true faith, and allegiance, to the Constitution of India, as by law established, and that I will, uphold the sovereignty, and integrity, मीर मोहम्मद फयाज़, जिसे लोकसभा की नशस्त पूर्ण करने के लिए बहसियत उम्मीदवार नामजद किया जा रहा है, खुदा के नाम पर हलफ लेता हूँ, इकरार सालिया करता हूँ कि मैं कानून की रूह से मुआरज वजूद में आए हुए मुल्क के आईन पर फख्ता यकीन रखूँगा और उसके तई वफादारी बरतूँगा, और ये कि मैं मुल्क की सरदारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। मैं बशारत हुसैन नजार, सनाफली मोहम्मद नजार, वार्ड नंबर 6 बांडीपोरा, जिसे लोकसभा की नशस्त पूर्ण करने के लिए वैसे उम्मीदवार नामजद किया जा रहा है, खुदा के नाम पर हलफ लेता हूँ, इकरार सालिया करता हूँ कि मैं कानून की रौ से मौज वजूद में आए हुए मुल्क के आईन पर पुख्ता यकीन रखूँगा और इसके तई वफादारी बरतूँगा, और ये कि मैं मुल्क की सरदारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। मैं महराजुद्दीन नजार, जिसे लोकसभा की नशस्त पूर्ण करने के लिए बहसियत उम्मीदवार नामजद किया जा रहा है, खुदा के नाम पर हलफ लेता हूँ, इकरार सालिया करता हूँ कि मैं कानून की रो से महरूज वजूद में आए हुए मुल्क के आइन पर पुख्ता यकीन रखूँगा और इसके ती वफादारी बरतूँगा, और ये कि मैं मुल्क की सरदारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा। I, Irfan Ahmed Chak, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do swear in the name of God solemnly affirming that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold that sovereignty and integrity of India. Signed. नाम बताइए और कम जिसे लोकसभा की नशस्त पूर्ण करने के लिए बेहसियत उम्मीदवार नामजद किया जा रहा है खुदा के नाम पर हलफ लेता हूँ कि मैं कानून की रूह से मुआरज़-ए-वजूद में आए हुए मुल्क के आईन पर पुख्ता यकीन रखूँगा और इसके तईं वफादारी बरतूँगा और ये कि मैं मुल्क की सरदारी
असलमियत को बरकरार रखूंगा साइन कर दिए। अपना नाम? अब्दुल अमीन गोल्डी। जैसे लोकसभा की नशस्त पूर्व करने के लिए बेहासियत उम्मीदवार नामजद किया जा रहा है खुदा के नाम पर हलफ लेता हूँ कि मैं कानून की रूह से वारिज़ वजूद मैं आए हुए मुल्क के आईन पर पुख्ता यकीन रखूंगा और इसके तईन वफादारी बरतूंगा और ये कि मुल्क की सरदारी और सलमियत को बरकरार रखूंगा साइन कर दीजिए।